अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट से जल 4 अगस्त को रिलीज हो रही है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म अनुष्का के साथ लीड रोल में शाहरुख खान है। बता दें कि अनुष्का सहित बॉलीवुड के ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके हमशक्ल पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। आज आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम बलोच भी काफी हद तक अनुष्का जैसी दिखती हैं। सनम ने दुराह 2008, नूरपुर की रानी 2008, दास्तान 2010, दाम 2010, जिदंगी धूप तुम घनासाया 2010, कुछ प्यार का पागलपन 2011, एक ही पारो 2011, रोशन सितारा 2012 सहित टीवी सीरियलों में काम किया है। वहीं अनुष्का ने रब ने बना दी जोड़ी 2008, बैंड बाजा बारात 2010, जब तक है जनीड़े 2012, पीके 2014, सुल्तान 2016 सहित कई फिल्मों में काम किया है। जॉन अब्राहम और पाकिस्तानी एक्टर अदील हुसैन के लुक में काफी समानता है। अदील ने बिन रोए 2015, हो मन जहां 2016, दोबारा फिर से 2016 फिल्मों में काम किया है। वहीं उन्होंने टीवी सीरियल दुनिया गोल है 2007, दाम 2010, मुरपिया 2013, जिया ना जाए 2013, मोहब्बत शुक्का सितारा है 2014 सहित कई फिल्मों में काम किया है। जॉन अब्राहम ने जिस्म 2003, इत्तिबार 2004, पाप 2003, धूम 2004, इलान 2005, काल 2005 सहित कई फिल्मों में काम किया है। कंगना रनौत और पाकिस्तानी मॉडल, फिल्म और टीवी एक्ट्रेस सरवात गिलानी की शक्ल भी मिलती जुलती हैं। बता दें कि सरवात ने कई पाकिस्तानी टीवी सीरियलों और फिल्मों में काम किया है। उन्होंने शादी और तुमसे 2010, दिल मेरा धड़कन तेरी 2013, बातचीत 2014, जवानी फिर नहीं आएगी 2015 में काम किया है। वहीं उन्होंने अजहर की आएगी बारात 2009, आहिस्ता आहिस्ता, होटल इस गुमशुदा कैसी है, दूरियां, कुछ दिल ने कहा सहित कई टीवी सीरियलों में काम किया है। इसी तरह कंगना ने गैंगस्टर 2006, वो लम्हे 2006, फैशन 2008, वादा रहा 2009, काइट्स 2010, रेडी 2011, तेज 2012, कृष 3 2013 सहित कई फिल्मों में काम किया है। पाकिस्तानी टीवी और फिल्म एक्ट्रेस जावेरिया अब्बासी की शक्ल काफी हद तक सोनाक्षी सिन्हा से मिलती है। बता दें कि उन्होंने दिल दिया और दहली जैसे टीवी सीरियलों में काम किया है। 2011 में आई पाकिस्तानी फिल्म सल्तनत में भी वे नजर आई थी। वहीं सोनाक्षी ने दबंग 2010, राउडी राठौड़ 2012, जोकर 2012, बुलेट राजा 2013, राजकुमार 2013, एक्शन जैक्सन 2014, तेवर 2015 सहित कई फिल्मों में काम किया है। कृति और अरिज की शक्ल भी काफी मिलती जुलती है। अरिज ने कई पाकिस्तानी टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्होंने हजारों साल 2012, माही आएगा 2012, हम नशीन 2012, वो 2013, मेरी बेटी 2013, तुम मेरे पास हो 2015, इंतकाम 2015 सहित अन्य सीरियलों में काम किया है। वहीं कृति ने हीरोपंती 2014, दिलवाले 2015, राबता 2017 फिल्मों में काम किया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सिंगर और मॉडल मेहविश हयात का चेहरा भी एक्ट्रेस नरगिस फखरी से मिलता जुलता है। मेहविश ने पाकिस्तान की कई फिल्मों के साथ ही टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्होंने इंशा अल्लाह 2009, ना मालूम अरफाद 2014, जवानी फिर नहीं आएगी 2015, एक्टर इन लॉ 2016 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। उन्होंने टीवी सीरियल मनजाली 2010, कभी कभी 2013, इश्कवाला लव 2013, कमी रह गई 2013, दिल लगी 2016 में काम किया है। वहीं नरगिस फखरी ने रॉक स्टार 2011, मद्रास कैफे 2013, मैं तेरा हीरो 2014, अजहर 2016, हाउसफुल 3 2016 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। चित्रांगदा से मिलता जुलता है शायरा शहरोज का फेज। शायरा पाकिस्तानी फिल्म और टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्होंने टीवी सीरियल मेरा नसीब 2011, मोहब्बत रूठ जाए तो 2011, तन्हा या नए सिलसिले 2012, कोके कहानी 2012 सहित अन्य में काम किया है। वहीं उन्होंने फिल्म हो मन जहां 2016 में काम किया है। चित्रांगदा ने हजारों ख्वाहिशें ऐसी 2003, ये साली जिंदगी 2011, देसी बॉय 2011, इनकार 2013 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। असिन और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोनिया भी काफी कुछ एक जैसे दिखते हैं। सोनिया ने पाकिस्तान के कई टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्होंने ससुराल के रंग अनोखे 2012, मेरी बहन मेरी देवरानी 2012, तीसरी मंजिल 2013, मैं हारी पिया 2013, ऐसे जले जिया 2014 सहित अन्य सीरियलों में काम किया है। वहीं असिन ने गजनी 2008, लंदन ड्रीम्स 2009, रेडी 2011, हाउसफुल 2 2012, बोल बच्चन 2012, खिलाड़ी 786 2012 सहित कई फिल्मों में काम किया है।